हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फाइव लेसन थ्री आपका चैप्टर है दो माताएं। इस कहानी में आप सभी को दो माताओं के विषय में बताया जाएगा। एक जो है मुखिया की पत्नी है, जो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती है, और एक है हाथी, जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। आप सबको पता होगा जो माँ होती है वो अपने बच्चों से बहुत अधिक स्नेह करती है, लेकिन जो मनुष्य होते हैं, जो जानवरों के बच्चे होते हैं, उनको पकड़ते हैं और बेच देते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस प्रकार से हम सबके बच्चे होते हैं वैसे उन जानवरों के भी बच्चे होते हैं। तो इस कहानी में आप सभी को दो माताओं के विषय बताया जाएगा। एक हाथी है, एक स्त्री है। इन दोनों में एक विचित्र घटनाएं घटती हैं जो आप लोग स्टेप वाइज देखेंगे। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, तीन बच्चे रहते हैं गुफा के पास। एक कहता है, क्या तुम कभी किसी गुफा में गए हो? तो छोटी बच्ची कहती है, हाँ मैं एक बार गुफा में गई थी, वह बहुत डरावनी था। तीसरा कहता है, गुफा में कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। जो भारत है, भारत में बहुत से लोग होते हैं कि मतलब उनको नई नई चीज़ों का खोज करना बहुत अधिक पसंद होता है, उसमें वो लोग कुछ न कुछ लिखते भी हैं। इसमें भी वही है, भारत के तथ्य और वेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के जो वन्य जीव हैं, वन के जो प्राणी हैं, तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर वो जुटाते फिरते रहते हैं। एक बार क्या होता है, ये लोग किसी जंगल में पहुंचते हैं, ठीक है। जंगल कहाँ पे था, असम के एक अनजान प्रदेश में, पहाड़ी की तलहटी में था। उस तलहटी में जो आदिवासी लोग थे वहाँ पे रहते थे, वो पूजा पाठ करते थे। एक बार होता क्या है, एक हाथी थी, वो मुखिया के बच्चे को वो बचा लेती, जिसके कारण वहाँ के जो निवासी थे उस हाथी को अपना देवता मान लेते हैं। तो उसी के उपलक्ष में जब फसल कटती है तो एक त्यौहार रखते हैं, वही त्यौहार यहाँ पे मनाते हैं उन लोग। इसमें क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ एक हाथी होता है और एक हाथी का बच्चा। क्योंकि जो वहाँ पे लास्ट में घटनाएं घटती है इस स्टोरी में, जो हाथी होती है उसका बच्चा एक गड्ढे में गिरा रहता है, उस बच्चे के इर्द गिर्द वो छाया की तरह घूमती रहती है, और इधर जो मुखिया का बच्चा रहता है उसको एक शेर उठा ले जाता है। कैसा शेर था, वो काला शेर था, वो उठा ले जाता है। उसके बाद जो हाथी थी उस बच्चे को बचाती है, फिर बच्चे की माँ उस हाथी के बच्चे को बचाती है, जिसके कारण वहाँ के गाँव के जो लोग थे वे सभी लोग, इसके बाद देखेंगे इसमें होता क्या है, जो हाथी है, ठीक है, मतलब कि जो असम की तलाटी में हाथी, जो एक गुफा है उसमें लकड़ी का एक हाथी रहती है, अर्थात हाथी की माँ, और उनके साथ एक बच्चा भी रहता है, और सभी लोग ढोल बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर वहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और फल की टोकरी को लेकर लाइन से खड़े रहते हैं। कोई फल लिया रहता है, कोई दूध लिया रहता है, कोई कुप्पियों में मधु लिया रहता है। कुप्पी मतलब ये समझना, जैसे तेल, कुप्पी मतलब होता है एक बर्तन होता है, कुप्पी के आकार का होता है, उसमें मधु भरा रहता है। ये सभी लेकर वहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ये जो खोज को इकट्ठा करने के लिए गए थे, जो कर्मचारी विभाग के लोग थे, ये लोग जब पूजा कर लेते हैं तो पूरा फल जितना भी सामान था उसको उठा के ले जाकर जंगल में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, ताकि जो हाथी हैं वो आए और उनको अच्छे से वो खा सकते। लेकिन ये जो कर्मचारी लोग थे वहाँ पे जब देखते हैं कि ये इतना ढेर सारा सामान ले जाके जंगल में रख दिया गया, ये सब बेकार हो जाएगा। अरे मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा है तो किसी और को दे देते, पड़ोसी को दे देते, वो इसका इस्तेमाल करता। जैसे इन सेंटेंस का ये इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा रहता है, वो गुस्सा ज़्यादा करता है, छी छी ये कैसी बात आप कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है, किस लिए हो रहा है? क्या उन सबको पता चल जाएगा आप लोग यहाँ पे उनके लिए ला के रखे हैं?
तो वहाँ पे क्या होता, घंटे भी बजाए जाते, तो घंटे बजाने से जो हाथी के दल हैं वो समझ जाते हैं कि हमारे बिहार में कुछ ना कुछ रखा है, वो आगे खाकर चले जाते हैं। इसके बाद वो कुछ नहीं करता, वो जाके मुखिया से मिलाता है, मुखिया से इन सब बातचीत होती है, फिर वो स्टोरी स्टार्ट होती है। होता क्या था इसमें, क्या था, जो मुखिया थे इनकी शत्रुता, ये जो लोग थे हाथी को अपना शत्रु समझते थे। शत्रु इसलिए समझते थे क्योंकि जो हाथियों का झुंड था जब वो चलता था तो इनके जो फसल होते थे वो नष्ट हो जाते थे, और उनको हाथियों को भगाने के लिए गांव के लोग कनस्तर, जिसमें तेल हो रहा था, कनस्तर का इस्तेमाल करते, उसे बजाते थे और मशाल जलाकर उस समय उस तरफ भागते थे, जिससे हाथियों का झुंड अपना स्थान, अपना रास्ता बदल ले, जिससे फसल नष्ट ना हो। एक रात क्या होता है, कोई किसी को पता चलता है कि हाथियों का झुंड फसल की तरफ आने वाला है, तो मुखिया जो होता है सभी गांव वालों को अपने साथ लेकर वहां से क्या करता है, सबको चला जाता है कनस्तर बजाते हुए, मशाल जलाते हुए, और गांव में कोई नहीं था। लेकिन वास्तव में इन सबका शत्रु था कौन, एक शेर वहां रहता था, वो झाड़ियों में छिप छिपा कर गाँव में आ जाता है। जब गाँव में आता है तो मुखिया का जो बच्चा था, मुखिया का बच्चा और मुखिया की जो पत्नी थी, दोनों सो रहे थे, तो जो शेर था मुखिया के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले जाता है। जैसे ही ले जाने लगता है वैसे उस बच्चे की माँ जग जाती है, क्योंकि सबको पता है जो स्त्रियां हैं उनकी जो नींद होती है बहुत कच्ची होती है, वो थोड़ा सा भी कुछ होता तो जग जाती हैं। और जब वो स्त्री जगती है, मुखिया की स्त्री जब जग जाती है, तो देखती है उसके बच्चे को शेर ले जा रहा है, तो उसकी स्त्री क्या करती है, मतलब जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये जो मुखिया है उस कर्मचारी से पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि ये जो पूजा पाठ होता है क्यों होता है। तो जो मुखिया की स्त्री थी वो मशाल लेती है हाथ में और शेर के पीछे चल देती है, लेकिन शेर जिस रास्ते से जा रहा था उसी वो जो रास्ता था वो हाथियों के आने जाने का रास्ता था, और उस रास्ते में एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें एक हाथी का बच्चा गिर गया था। जो हाथी का बच्चा गिरा था तो हाथी जो थी उस गड्ढे के इर्द गिर्द छाए के समान घूम रही थी, लेकिन जब हाथी शेर को एक बच्चे को लाता हुआ देखती है तो एक बहुत जैसे चील झपट्टा मारकर चूहे हुए को जानवरों को पकड़ लेता, वैसे चील की तरह झपट्टा मारकर उस बच्चे को बचाने का प्रयास करती है, और बहुत तेज आवाज में चिंगाड़ती भी है। तेज आवाज सुनने के कारण जो हाथी था उसके दांत से वो बच्चा छूट जाता है, और हाथी क्या करता है उस बच्चे को अपने सूंड में लपेट लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो महिला थी वो वहां पे पहुंच जाती है, लेकिन उस महिला के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर उस महिला के बच्चे को बचाने के लिए से तो जो हाथी थी आगे बढ़ती है। फिर जैसे ही वो स्त्री आती है तो देखती है अपने बच्चे को कि उसका बच्चा हाथी की सूंड में लिपटा हुआ है, और वो जो हाथी था उसके बच्चे पर मतलब कि प्यार दिखा रहा था। इसके बाद क्या होता है, जो मुखिया की पत्नी थी वो देखती है कि जो हाथी है उसका बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है, तो क्या करती है, जो पत्ते उत्ते झाड़ उड़ रहे थे उसको हटाती है, बहुत बचा बचा करे तो भी गड्ढे में गिर जाती है। इसके बाद क्या करती है, बड़े बड़े मोटे मोटे दो बल्ले लेके आती है, लकड़ी का टुकड़ा, उसको क्या करती है सीढ़ी नुमा बना कर उस गड्ढे में फेंक देती है, जिसके कारण जो हाथी का बच्चा हो बाहर निकल सके। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आती हैं, वैसे देखा जाए तो वो जो बच्चा था हाथी उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई थी, तो महिला क्या करती है उस गड्ढे में उतरती है और पीछे से धक्का देती है। उससे हाथी के बच्चे को बचाने में महिला को थोड़ा बहुत चोट भी लगती हो, घायल भी हो जाती है, अथवा चोटिल हो जाती है, लेकिन फिर भी अथक प्रयास से उस बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। फिर इसके बाद क्या घटनाएं घटती हैं, जो मुखिया था वो हाथियों को भगाकर मुखिया और गांव वाले
वापस आ चुके थे। जब वापस आके देखते हैं तो ना तो वहाँ पे उसका बच्चा रहता है, ना तो उसकी पत्नी, और क्या होता है वहाँ पे शेर के पंजे का निशान जब मुखिया देखता है तो परेशान हो जाता है, और उस शेर के पंजे का निशान जो था उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे चलते चलते वो आगे बढ़ता है, मसाल लेकर, बर्छी, रसरी, भाला, जो भी जिसको मिलता है लेकर वो लोग चल देते हैं। इसके बाद जब मुखिया और गांव के लोग उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर वहां के मतलब कि जो मुखिया थे, गांव के लोग थे, एकदम अवाक रह जाते, चुप रह जाते, अरे ये कैसे हुआ। उसके बाद जो भी वो रस्सी, भाला, बर्छी जो भी लिए तो उन सभी को फेंक देते हैं, और वहां पे देखते क्या है ये लोग कि जो हाथी का बच्चा है वो अपने नहीं, जो हाथी है वो अपने बच्चे के सर पर सूंड से सहला रहे, अर्थात प्रेम दिखा रही है, और एक तरफ मुखिया की जो स्त्री है वो अपने बच्चे को अपने सीने से लिपटा कर खड़ी है। इसके बाद क्या होता है, जो मुखिया था वो हाथी को अपना वन देवता अर्थात अपना देवता मान लेते हैं। इसके बाद मुखिया अपने गांव के लोगों को आदेश देता है कि जितने भी गड्ढे हैं सभी को पाट दिया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो मुखिया थे हाथी के बच्चे को पकड़ते क्यों थे? पकड़ते इसलिए थे कि जो सौदागर थे वो उसके बदले में उन्हें पैसे देते थे, अर्थात सोना देते थे, सोने के सिक्के देते थे, और उन सोने के सिक्कों को माला बनाकर जो स्त्रियां रहती थी उससे श्रृंगार अपना करती थी। लेकिन जब ये घटनाएं घटती हैं तो मुखिया क्या करता है, सभी गड्ढे को बंद करा देता है और उस सौदागर को वहां से भगा देता है। उसके बाद उस जंगल में कोई भी सौदागर हाथी पकड़ने नहीं आया। इन सभी घटनाओं को जो मुखिया है किससे बताता है, जो शोधकर्ता के लोग थे, अर्थात जो इधर उधर घूम कर जीवों के ऊपर कुछ न कुछ लिखते थे, खोज करते थे, इन सबको ही बताया जाता है। लास्ट में होता क्या है, फिर वो बताता है ये जो घटनाएं घटी है इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये त्योहार मनाते हैं। जब फसल पक जाती है, कटती है, और ये ठंड के समय में कटती है, तो ठंड के समय में हर साल हम लोग ऐसा त्यौहार मनाते हैं, और जितना हो सकता है फल है, अनाज है, जो भी है ले जाकर हम लोग जंगल में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी को वो लोग अपना देवता मान चुके थे। ये इस कहानी की स्टोरी है। दो माताएं, पहली कौन सी माता हुई, जो हाथी की हाथी है, और इधर बच्चे की माँ जो मुखिया की माँ थी। इन दोनों माताओं के प्रेम के विषय में बताया गया है, अर्थात जो माँ होती है वो बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती है। इसलिए इस कहानी में बस मेन पॉइंट यही था कि माँ अपने बच्चे से जिस प्रकार से प्रेम करती है, एक समय आता है उस समय बच्चे को भी अपने माँ से उसी प्रकार से ही प्रेम करना चाहिए। क्लियर?